हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि वीवो Y27 फ़ोन में आप लोग IMEI नंबर को कैसे चेक कर सकते हो। अगर आपके पास एक वीवो Y27 फ़ोन है और इस फ़ोन में आप लोगों को IMEI नंबर को निकालना है तो कैसे आप लोग IMEI नंबर को निकालोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IMEI नंबर को निकालने के लिए यहाँ पर दो तीन तरीके होते हैं गाइस, तो मैं आप लोगों को सभी तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो फ़ोन के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जिससे आप लोग कॉल करते हो। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का जो नंबर डायल करने वाला कीपैड होता है वो निकाल दीजिए। निकालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को डायल करना है गाइस *#06#। तो आप लोग देख सकते हैं *#06# डायल करते ही यहाँ पर जो आपका IMEI नंबर है वो शो हो गया है। तो यहाँ पर से आप लोगों को दोनों IMEI नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट फ़ोन का, देख सकते हैं एकदम लास्ट में है। तो इस अबाउट फ़ोन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन होगा स्टेटस का, तो इस स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर जो IMEI नंबर है वो देखने को मिल गया। यहाँ पर दोनों ही IMEI नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो फ़ोन ख़रीदने में जो बिल होता है उस बिल में भी IMEI नंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो बॉक्स है बॉक्स में भी आप लोगों को IMEI नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने वीवो Y27 फ़ोन में IMEI नंबर को चेक कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।